लगातार इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पे एक से एक अपडेट आ रहा है टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर ने कहा है कि दो हफ्ते के अंदर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पे एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है और ये जो अपडेट है ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज एंड बी यानी कि गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज इन दोनों कंपनीज के ऊपर ही आएगा तो अगर आप जियो एयरटेल वी आई या बी एसनल, किसी भी कंपनीज का सिम यूज़ करते हैं तो आज का ये जो अपडेट है जो कि दो हफ्ते बाद आने वाला है ये अपडेट आपके लिए बहुत बढ़िया अपडेट भी हो सकता है और बहुत बुरा अपडेट भी हो सकता है तो एक्चुअल अपडेट क्या है और कैसे ये बढ़िया और कैसे बुरा अपडेट हो सकता है आपके लिए वो जानने के लिए आज की छोटे से वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि हर इवनिंग के आठ बजे मैं आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड और टेलीकॉम रिलेटेड वीडियोस लेके आ जाता हूँ तो देखिए दोस्तों ये जो अपडेट आने वाला है इसके बारे में मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में ही बता देता हूँ पहली बात तो एक चीज़ आपको पता होगा कि अभी हम लोगों को फोर के नाम पर जो स्पीड मिलता है वो फोर स्पीड है ही नहीं ये आप सभी को पता होगा अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो फोर जी का जो ओरिजिनल स्पीड दिखाएगा जो कि बाहर के फॉरेन कंट्री में मिलता है वो हंड्रेड एम से भी ज़्यादा मिलता है लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो फोर जी स्पीड में जियो एयरटेल वी आई या बी एस एल को जो ही दो इन तीनों कंपनी 16 से 18 एम स्पीड एवरेज देते हैं किसी जगह पे 20 एम तो किसी जगह पे 10 दस एम ठीक है यानी कि 16 से 18 एम स्पीड एवरेज देता है लेकिन ये जो स्पीड है ये 4G का स्पीड है ही नहीं 4G का ओरिजिनल जो स्पीड है वो 100 एम से भी ज़्यादा होगा और उसको ही 4G स्पीड कहा जाएगा और फोर जी के जो रिचार्ज प्लान है वो जो प्लान अभी इंडिया पे चल रहा है ना जियो का एयरटेल का भी आएगा इससे भी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट बाहर के कंट्री में देना पड़ता है तो अभी टेलीकॉम मिनिस्टर से जो अपडेट किया जाएगा टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर वो क्या होगा कि अभी जो स्पीड मिल रहा है उसे चार गुना ज़्यादा स्पीड आपको हर एक टेलीकॉम कंपनीज को देना पड़ेगा यानी कि साठ से सिक्सटी 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 से सिक्सटी एम फाइव एम बी स्पीड आपको हर एक टेलीकॉम आपको अभी प्रोवाइड करेगा जैसे कि जियो एयरटेल भी, भी अपना आपको थोड़ा इंक्रीज करेगा 3G के मामले में ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड को ही इंक्रीज नहीं किया जाएगा स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे अमाउंट जो रिचार्ज प्लान है वो भी इंक्रीज होने की बात हो सकता है तो बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हो उसको इंप्रूव किया जाए तो क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर इंप्रूव होगा तो वहां पे रिचार्ज प्लान जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा वो भी इंप्रूव होगा हाँ तो ये जो प्लान है ये मतलब दो हफ्ते के अंदर ही आने वाला है कि कौन से प्लान में कितना चेंजेस किया जाएगा और क्या कुछ आ, या एक ड्राफ्ट आएगा तो मैं आपको मैं जरूर बताऊंगा वो ठीक है कि कितना प्लान होगा अगर 60 से 65 फाइव एम स्पीड मिलेगा तो इससे एक चीज़ तो बढ़िया होगा कि बहुत सारे जगह पे जहाँ पर लोग चाहते हैं कि क्वालिटी सर्विस चाहे थोड़ा बहुत पैसा देने के लिए राजी है उन लोगों के लिए ठीक है लेकिन जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट चलाते हैं उन लोगों को उतना ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है भी नहीं और वो लोग उतना ज़्यादा रिचार्ज प्लान एफोर्ड भी नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए ये बड़ी दुख की खबर है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि बी अपने आप को थोड़ा बहुत सुधार ले और अपने थ्री स्पीड को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर दें ये हो सकता है ठीक है तो क्या कुछ होता है दो हफ्ते के अंदर ही हम लोग को पता चल जाएगा अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए अगर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही गुड बाय एंड टेक केयर